थोड़े से एनिमेशंस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई देखिए, कंपनी प्रोफाइल इस दौर का आप ये समझ ले सबकी नीड है। एक कंपनी जब वजूद में आती है वो कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं मीटिंग्स में जाती है, कहीं ना कहीं अपने ऑफर्स को लेके जाना चाहती है, तो उसके पास कुछ होता नहीं है। या उनकी टीम कहीं जाके अगले बंदे के सीईओ को अपना कंपनी प्रोफाइल थमा देती है। कंपनी प्रोफाइल भी दो तरह के होते हैं, जिस तरह आज डिजिटल बिजनेस कार्ड भी बनाए जाते हैं, उनको प्रिंट नहीं करते, बस ऐसे ही यूज कर रहे होते हैं, सेम गोज फॉर कंपनी प्रोफाइल। कुछ कंपनी प्रोफाइल पीडीएफ में होते हैं, कुछ कंपनी प्रोफाइल को प्रिंट किया जाता है। एंड व्हाई कंपनी प्रोफाइल, इसके पीछे चार से पांच चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दुनिया में कंपनीज के बीच में जो फर्क है ना, अगर आप गौर करें, स्टैंडर्ड का फर्क है। और स्टैंडर्ड कैसे बनता है? स्टैंडर्ड बनता है आप हर एक चीज को परफेक्टली देखें। एक कंपनी है जिनके पास बिजनेस कार्ड तक नहीं है, क्या आप उनसे स्टैंडर्ड की तवक्को कर सकते हैं? आपने मुझे यार गिव मी बिजनेस कार्ड बोलेंगे, हमारे पास तो नहीं है। बोलेंगे अरे अजीब ही लोग हैं, बिजनेस कार्ड भी नहीं है इनके पास, ना स्टैंडीज थे इनके, ना कोई फ्रेम्स लगे हुए थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में कि यार हमें एक कंप्लीट जो है ना कंपनी प्रोफाइल चाहिए, जिसके अंदर हमारा विजन मिशन हो, हमारे मेरा नाम हो, मैं सीईओ हूं, हमारे टीम मेंबर्स क्या काम करते हैं। फोन अच्छा लिख रहे हो, अच्छा लिखने के लिए यू कैन यूज फोन अगर नोशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो दे वांट टू शो देयर ऑल थिंग्स, उनके रिव्यूज, उनके पास क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं, उनके सर्विसेज हैं, उनके ऑफर्स हैं। और अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है तो वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर देते हैं कि हम क्या क्या सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्लर में आप लोग जाते हैं, उनका भी बुकलेट होता है, भाई ये देख ले हमारे सर्विसेज, इट्स काइंड ऑफ बुकलेट। बट अगर वही पार्लर वाले बहुत बड़े एक्सपो सेंटर में जाएंगे जहां पे कॉस्मेटिक का बड़े लेवल का काम है, तो वो क्या करेंगे, अपना कंपनी प्रोफाइल लेके जाएंगे कि भाई हम इतने साल से ये कर रहे हैं, हमारे ये क्लाइंट आ चुके हैं, हमने फिल्म प्रोडक्शन के लिए मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास हैं, तो वो सारा कुछ ऐड करेंगे। हमने देखो, हमने मायरा खान के को मेकअप किया है, हमने उसको मेकअप किया, तो वो क्या करते हैं, अपने रिव्यूज भी ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी जब देखते हैं कि वाओ नाइस, तो होता है क्या है, समटाइम जब वो इवेंट के लिए जाते हैं तो वो 50-60 उनको प्रिंट लगे, बहुत महंगे होते हैं, ग्लॉसी पेपर में होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, वो 150 ग्राम का पेपर होता है, बहुत महंगा होता है। तो समटाइम क्या करते हैं, वो कहते हैं अलाउ नहीं, आप यहीं पे देख सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। अभी मेरा इरादा है कि मैं बीएमजे का भी बनवाऊंगा एक या दो, कि जो बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास जमात से, वो देखें भी हमने अब तक क्या काम किया है। या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आ रहे हैं ऑफिस में, बोर बैठे हैं बाहर, या हम बिजी हैं, तो बाहर उनको दे दिया कि वो देखेंगे कि हम करते क्या हैं। जिस तरह हमदर्द में हमें डेली हर महीने हमें हमदर्द का वो मिलता था फ्री, क्या कहते हैं यार, रिसाला फ्री, अच्छे कंडीशन में। हम क्या सिर्फ पिक्चर देखते थे, अकीम सईद के पिक्चर आ रहे हैं, कभी क्या पढ़ते नहीं जैसे पिक्चर देखते थे। अभी मेरे घर में कितने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो हर कंपनी बनाती है, सही है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये भी जरा लिख लें, आपके जहन में होने चाहिए। लिखने की बात आती है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, उनके चेहरे चेंज हो जाते हैं, लिखना वैसे मुश्किल है, वो भी इस टाइपिंग के दौर में है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कंपनी प्रोफाइल इज अ इमेज ऑफ द इंडस्ट्री। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर एक बंदा बातें सिर्फ करता जा रहा है कंपनी के बारे में, तो आई थिंक समहाउ इट्स अ अनप्रोफेशनल थिंग। मैं मिसाल देता हूं, हमारे लियारी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्ट स्पेस है, आई डोंट नो आप लोग गए होंगे नहीं गए होंगे, मेहरगढ़ के नाम से। आलियन गए हो आप मेहरगढ़? और कौन कौन गया वहां? मेहरगढ़ है एक आर्ट स्पेस है, जहां पे अभी मेरे दोस्त है आसिम बलोच, उनका भी फोटोग्राफी क्लास चल रहा है फिलहाल, अभी ऑन गोइंग है, जिनको करना है वो कर सकता है।
और आसिम मेरा दोस्त है, और वो रियलमी का फोटोग्राफी चैलेंज हुआ था, वो सेकंड नंबर पे आया पूरे पाकिस्तान में, तो वो वहाँ पढ़ा रहे हैं और फीस बहुत कम ले रहे हैं वो लोग। तो किसी को पढ़ना है फोटोग्राफी तो तय कैन को, वहाँ एक आर्ट स्पेस है बेसिकली, यू कैन गो ऑन फ्री, काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, खाना मिलता है, बड़ा अच्छा स्पेस है, आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा भी। अभी उन्होंने वो कोर्स भी देना शुरू कर रहे हैं लियारी में, ली मार्केट के साइड पे। ली मार्केट वाला जो रास्ता है ना, जहाँ पे वो नहीं गायें घूम रहे होते, जहाँ पे गायें घूम रहे हैं, हाँ इस तरफ। नहीं नहीं वो थोड़ा सा बिल्डिंग के नीचे थोड़ा सा छुपा हुआ है, अभी उधर से ब्रांडिंग की है, बाहर निकाला है, बट वो बिल्डिंग के नीचे इन्होंने एक स्पेस लिया हुआ है, उसको बनाया हुआ है। शायद आप लोग आए होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती हैं, ठीक है। बहुत बाहर से लोग आते हैं, अंग्रेज़ आ चुके हैं, फोटोग्राफी के क्लासेस होती है, म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, गिटार क्लासेस हुई हैं, ठीक है। हमने भी प्रोजेक्ट किया था उनका, आपको दिखाऊंगा। क्या आया था, क्लिप आया था, अभी इनके एड चल रहे हैं, वो आसिम वाला, अभी वो मैं आपको एड भी दिखाता हूँ एंड में, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार बासित भाई, उनके जो सीईओ हैं फहीम शाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आसिम आदिल के कज़न हैं बेसिकली, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और मेरी तरह वो बाल नहीं रखते, बहुत कम बाल, बहुत अच्छा इंसान है फहीम शाह। तो ये कहा यार हमें अपना कंपनी प्रोफाइल ना ग्रांट के लिए, ये जो ना ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रांट मांगते हैं लोगों से, क्योंकि ये ऐसी बात है कि स्पेस है जो कि फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या बहुत कम फीस में, तो ये ग्रांट लेते हैं। तो कहते हैं ग्रांट के लिए हमारी अब टीम काफ़ी चेंज होगी, तो अभी हमारा कंपनी प्रोफाइल काम नहीं आ रहा, वी नीड टू चेंज इट। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कंपनी प्रोफाइल को एक या दो प्रिंट किया, बाकी उनका सारा काम PDF में चलता है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, वो जब आगे अपना आइडिया पिच करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी कहती है कि कुछ बताओ तो सही, आप करते क्या है। तो बनिस्बत इसके लंबे लंबे वॉइस करें, मीटिंग करें, वो क्या करते हैं, अपना कंपनी प्रोफाइल सेंड कर देते कि भाई ये हमारा पूरा कंपनी प्रोफाइल है, उसमें CEO कौन है उसके बारे में आता है, टीम कौन है उसके बारे में, क्या क्या करते हैं, अब तक क्या क्या इन्होंने कर दिया, अब तक क्या क्या, अभी अभी लास्ट टाइम यार आप लोगों ने उसका व्लॉग देखा है, गंजी सोए कल्यारी जाता है बुक देने, वही तो है मेहरगढ़, किसी ने व्लॉग देखा है वो वाला, गंजी सोएक को जानते हो, हाँ भैया क्या हाल है, नहीं जानते हो, तुम लोग क्या देखते हो डक्की भाई, मुझे याद दिलाना आपको दिखाऊंगा। तो वो एक वो स्पेस है, तो वहां पे ये बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं सिंपल, तो एक PDF पूरे कंपनी का एक पूरा इमेज उसके सामने रख देता है कि यार इनके साथ काम करना चाहिए नहीं चाहिए, इनको स्पॉन्सर देना चाहिए नहीं चाहिए, इनको ग्रांट देना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी प्रोफाइल होता है, ठीक है। और कंपनी प्रोफाइल मल्टीपल A4 साइज के ऊपर हबनी होता है, इसको तो बस बस देखने का, बस फिल्में दिखाओ इसको, कार्टूने दिखाओ, छोटा भीम छोटा भीम। अच्छा दिखाऊंगा भाई लास्ट में, पहले इंपॉर्टेंट चीज तो पढ़ लें, क्योंकि अगले वीक बनाना है, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इमेज जाहिर होता है एक कंपनी। तो मैं आपको दो बात, फॉर एग्जाम्पल मयूरा एक दुनिया के टॉप कंपनी से एक पर्स बाय करना चाह रही है, जिसकी लागत है 4 से 5 करोड़ रुपए। अब दो कंपनी सामने हो गए, ए और बी। अब जैसे 5 करोड़ लगाने से पहले मयूरा वांट टू सी कि कंपनी करती क्या है। एक कंपनी के पास कोई प्रोफाइल है ही नहीं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक बंदा 5 करोड़ लगा रहा है तो वो देखेगा, तो आप कभी भी नहीं लेंगे, बोलेंगे यार इनका तो कुछ है ही नहीं, ना कोई बिजनेस कार्ड है, ना कोई कंपनी प्रोफाइल है, ना कोई बुकलेट इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये इमेज के लिए बहुत जरूरी है, और आप यकीन करें छोटे मोटे कंपनी इनकी तरफ जा, इनके विजन ही नहीं है, उनका विजन है ही नहीं, उनका विजन अभी तक वही है, बस ठीक है यार बस चल रहा है, बस 2 लाख रुपए मिल रहे, बस चल खत्म, उनको आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम होगा। अब कल दुआ का ब्रांड है, वो बड़ा ब्रांड बन जाए, जाहिर सी बात दुआ बनाएगी बुकलेट, व्हाई
ओके, डू आई वांट टू शो के भाई हम नॉर्मल थोड़ी काम कर रहे हैं, वी हैव अ कंपनी प्रोफाइल. मैंने भी स्टार्टअप शुरू किया था, इसी बार जब वो मैं पहुंच जाऊंगा 4-5 साल में अपने मकाम पे, आई ऑल्सो हैव टू मैक एग्जीबिशन में जाएंगे, यहां वहां जाएंगे, सो आई मस्ट हैव अ कंपनी प्रोफाइल. ठीक है, और बिलीव मी लिंक्डइन के अंदर अच्छे पैसे देते कंपनीज. क्यों? उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 भी देते हैं कंपनी प्रोफाइल के. उसमें पेजेस कितने होते हैं? 30-35, और बहुत मिनिमलिस्ट चाह रहे होते हैं वो. क्योंकि नॉर्मल इंडस्ट्री कभी आपको अप्रोच नहीं करी कंपनी प्रोफाइल के लिए, और बड़े बड़े लोग जानते हैं डिजाइन थ्योरी. में आपको अभी से कह रहा हूं, दे नो डिजाइन थ्योरी. वो बाकायदा कहते हैं भी हमें भरना नहीं है, प्लीज वी वॉन्ट टू मेक इट वेरी मिनिमलिस्ट. ठीक है, तो ये इमेज के लिए बहुत जरूरी है, और आप अच्छे खासे क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं इसमें. ठीक है, ये हो गया. तीसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहां पे ये है कि इसके कंटेंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. क्या हुआ? अब कंटेंट में क्या क्या होता है ये जरा लिख लें. सबसे पहली चीज अबाउट कंपनी, अबाउट इंडस्ट्री, करती क्या है. ठीक है, उनके सर्विसेज क्या हैं, एक चीज. सोशल प्रूफ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अब तक उन्होंने क्या किया, अचीवमेंट ली है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेहरगढ़ अपनी अचीवमेंट दिखाएगा, वो बोलेगा भाई हमारे पास बाहर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स आए हैं, जुनेद अकरम आ चुका है हमारे पास, सैयद मुजम्मिल आ चुका है हमारे पास, हमारे पास बड़े बड़े डायरेक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास, फोटोग्राफी क्लासेस, हमारे कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे जा चुके हैं, हम अभी ग्राफिक का कोर्स भी पढ़ा रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, ये उनके सारे अचीवमेंट्स हैं. ठीक है, अच्छा अचीवमेंट्स, कुछ कंपनी क्या करते हैं, अचीवमेंट्स को अलग करते हैं और रिव्यूज को अलग करते हैं, सोशल प्रूफ को अलग करते हैं. रिव्यूज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल सैयद मुजम्मिल ने कोई चीज़ लिख के दे दी, तो उसकी पिक्चर आएगी नीचे से कमेंट के भी आई विजिटेड मेहरगढ़ आर्ट एंड फाउंडेशन, इट वॉज अ रियली ग्रेट, अच्छे बहुत अच्छे बच्चे थे, बड़े जबरदस्त बातें हुई, बुक्स हमने दिए इस तरीके से. ठीक है, तो अचीवमेंट को अलग करते हैं लोग और रिव्यूज को अलग करते हैं. फिफ्थ थिंग, अगर उस कंपनी ने कोई अवार्ड जीते हैं, अवार्ड्स बहुत सारी कंपनी अवार्ड जीतती है, बी फॉर एग्जाम्पल बेस्ट फ्रीलांस एजेंसी को जो है ना अवार्ड मिले किसी इंडस्ट्री को, तो वो वहां पर एड करेगा कि दिस अवार्ड वी गॉट इन पास्ट 5 ईयर्स. ठीक है, तो अवार्ड्स भी आप लिख लें. कंपनी का विजन, मिशन और फ्यूचर गोल्स, ये तीन चीजें, विजन, मिशन, फ्यूचर गोल्स. अच्छा ये हो गया. अब कंपनी के अंदर कितने टीम मेंबर्स हैं, उनके नाम और उनका डिजाइनेशन, कि ये हमारे पास ये क्या है. फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये हमारा वीडियो एडिटर है, ये हमारा, और उनके नीचे उनकी बातें भी लिखनी है. फॉर एग्जांपल एक वीडियो एडिटर है जो कि 15 साल से काम करता है, लिखना एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, इस तरीके से उनका एजुकेशन भी. तो टीम मेंबर्स, सीईओ कौन है, सीटीओ कौन है, सीएफओ कौन है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, वरना तो कंपनी छोटी तो सीईओ होता है सिर्फ, डू इट गूगल, मुझे नहीं पता. सीटीओ, सीएफओ एंड सीईओ. ठीक है, ये हो गया. अच्छा मैनेजर्स भी होते हैं, वो भी ऐड करने होते हैं. कॉन्टैक्ट का पूरा एक अलग से पेज होता है जहां पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हाँ, अब अगर कोई कंपनी है जिसमें सर्विस है उनके, तो वो ऐड होंगे सर्विसेज, और अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऐड होंगे. लाइक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि फैशन पे काम कर रही है, उनके पास सिर्फ ड्रेसेस हैं, तो वो अपने मेन कलेक्शंस ऐड कर देंगे, हमारे पास ये कलेक्शंस होते हैं. फैब्रिक कंपनी है कि वो कपड़े बनाती नहीं है बट फैब्रिक बनाती है, तो वो अपने फैब्रिक के क्वालिटीज ऐड करेंगे. कोई कंपनी है जो फैब्रिक नहीं सिर्फ धागा बनाती है, लाइक कैंडल थ्रेड कंपनी है, ठीक है, पाकिस्तान का जो ये BMJ चला रहे हैं, पाकिस्तान के सेकंड नंबर पे आती है वो कंपनी, कैंडल थ्रेड कंपनी. ठीक है, तो वो अपने धागे के बारे में बात करेंगे, भी हमारा धागा इतना है, इससे बनता है, कपास से बनता है, ये वो सारी चीजें. ठीक है, तो सर्विसेज और प्रोडक्ट, ये चीजें. USPs बहुत जरूरी होती हैं, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कितनी चीजें हो गई,
किसका फुल फॉर्म? यूएसपी का? कितने हो गए? सिर्फ 9 हुए अब तक, तो बहुत कॉन्टैक्ट हुआ. वाई यू नॉट राइटिंग? नहीं 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 प्लीज, ये फोन पे राइट कर दो. इलेवन चीजें हो गई हैं, और क्या होता है इसमें? टारगेट ऑडियंस, इसमें टारगेट ऑडियंस क्या? इट्स अ कंपनी प्रोफाइल. प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती हैं? अगर आप फेसबुक को देखें, आपके फ्रेंड्स, आपकी अचीवमेंट, कितने फ्रेंड्स हैं, कितना काम किया है, वो प्रोफाइल है. तो कंपनी के प्रोफाइल में टारगेट ऑडियंस तो नहीं आएगा. वो आ गए ना रिव्यूज में, अचीवमेंट्स में आ गए, रिव्यूज में आ गए. इनको अलग अलग करके ना बुक में ऐड किया जाता है. तो ये काफी है शायद. अगर कल जब बनाएंगे नेक्स्ट वीक, तो जब वो याद आते जाएंगे, मैं फिर उनको ऐड करता जाऊंगा. ठीक है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं. और शुरू में एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट. बनाया ना कभी? या बुक से पहले बुक ओपन करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट होता है. तो उसका एक पेज होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट है. शुरू में इंट्रोडक्शन है, फिर सीईओ के बारे में, फिर रिव्यूज है हमारे. तो वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट, ताकि पता चले कि किसी बंदे को देखना है कि पेज 6 में जाए फौरन, इनके सर्विस क्या है, तो वो डायरेक्टली पेज 6 में चला जाए. इस तरीके से होता. अच्छा, इंडेक्स कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स, जो आपको पसंद है आप इसको कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंपनी प्रोफाइल. अच्छा, इसका जो बनाने का अंदाज है वो काफी डिफरेंट है बनिस्बत सोशल मीडिया डिजाइन, बिलबोर्ड एंड स्टैंडी. बहुत डिफरेंट है, इसका स्टाइल अलग होता है, बहुत मिनिमलिस्ट को करना पड़ता है, बहुत कॉन्ट्रास्ट बहुत सिंपल होते हैं इसमें. समटाइम कुछ कंपनी अलग है, उनका ब्रांडिंग कलर रेड होता है, वो फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट में बनाते हैं. दे वॉन्ट टू मेक इट वेरी मिनिमलिस्ट, क्योंकि इसमें कॉग्निटिव लोड का बहुत मसला होता है. वैसे ही किताबें देख के लोग घबरा जाते हैं कि यार इसको पढ़ते पढ़ेगा कौन. तो इसको बहुत मिनिमलिस्ट. अनीम, इफ यू वांट टू गो सो यू कैन गो. अनीम, इफ यू वांट टू गो सो यू कैन गो. व्हाट? यस और नो? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? तो जाओ ना, बात करो, जाना है तो चली जाओ. आपकी अम्मी वेट कर रही है. सही है. तो इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे हम प्रॉपर तरीके से, कि क्या क्या इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, केसेस को लेके चलना है, कलर्स कैसे देखने हैं इसमें. ठीक है, कंटेंट को कहाँ से प्लान करना है, आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ों की नीड होगी. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और मैं यहाँ प्रॉपर एक कंपनी प्रोफाइल बना के आपको दिखाऊंगा भी, और इनको मॉकअप्स में भी ऐड करेंगे. इसके मॉकअप्स बहुत मुश्किल है कि फ्री मिलें, बट लेट मी सी, क्योंकि बहुत हाई फाई मॉकअप होते हैं और शायद बाय करना पड़े आप लोग. वैसे एक भी फ्री का मिल जाए आपका काम हो जाएगा. ये देखें, डिफरेंट साइज में आ रहे होते हैं. कुछ इस तरह फैंसी बनाते हैं, कुछ एफ फॉर्म में बनाते हैं. देखो फ्री आ ही नहीं रहे, ये आया हुआ एक, बट ये वाला देखो अच्छा है ना, प्रॉपर दिख रहा है. भाई अच्छे वाले फ्री नहीं मिलेंगे. हाँ, ये एक मिल रहा है. ये देखे, इन्होंने अपने बारे में बताया कि हमारे बर्गर में क्या क्या चीजें हैं.
मिल जाएंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ ब्लास्ट में क्या मिल रहा है? ये भी अच्छा है। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट, विजन आ गया, मिशन आ गया, इस तरीके से होता है। फिर एंड में कॉन्टेक्ट अस आ गया। अनब्लास्ट से कोई ना कोई फ्री मिल ही जाएगा। देखो अच्छे अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर, F4 पे ये। ब्रेक तो नहीं सही है ना? ब्रेक एक XD डाउनलोड करना था, अब तक हुआ नहीं है। अच्छा हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। कहाँ से किया? फाइल सीआर से, XD फाइल सीआर से डाउनलोड करें, वहाँ से ना करें गेट इनटू PC से, वहाँ से प्रॉपर नहीं होगा। अच्छा भाई, पहली बात तो ये है कि सबने जो इसका फाइनल असाइनमेंट होगा 1 वीक का, सबने दो दो कंपनी प्रोफाइल बनानी है। और कंपनी प्रोफाइल में आपकी मर्जी आर्टबोर्ड पे काम करें, एक आपने करना है जो डिजिटल प्रिंट होगा, एक आपने फिजिकल रखना है, सॉरी एक फिजिकल प्रिंट होगा और एक डिजिटल होगा। डिजिटल आप XD में क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट वाला भी XD में कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिलहाल उसको भी प्रिंट नहीं करना, बट मॉकअप के लिए आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ज़रा देख लें। और अगर साइजेस की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल कंपनी प्रोफाइल के या बुकलेट के साइजेस होते हैं। अगर हम गूगल से पूछें सिंपल, देखते हैं क्या जवाब देता है। स्टैंडर्ड साइज हमारे पास F4 ही है, जो मैंने पहले ही कहा मोस्टली आपको F4 में मिलेंगे। लेटर साइज अलग है, जिसको 5.8.5 मल्टीप्लाई बाय 11 इंचेस है। लीगल साइज भी है, अभी लीगल साइज क्या होता है, 8.8 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 14 इंचेस। लीगल साइज को देखते हैं, ये लीगल साइज क्या है।
सही है, F4 की तरह है बस थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो छोटा है शायद, वेट में थोड़ा सा बड़ा है। ऑलमोस्ट सेम है सारे, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इनमें। देखिए हम बनाएंगे A4 में, और A4 के लिए हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं। न्यू में जाके हम जाएंगे प्रिंट में, तो यहाँ पे हमें A4 मिल जाएगा डायरेक्टली। F4 के उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी मर्जी है, फोटोशॉप में करेंगे, कैनवास टू कैनवास करें, या तो आर्टबोर्ड करें। आर्टबोर्ड क्या करें, फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग की, इसकी प्लानिंग में बहुत टाइम जाएगा, आपको बहुत टाइम चाहिए इसकी प्लानिंग में। सारी चीज़ें आपको फाइनलाइज करनी है कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपने अभी डिसाइड किए हैं। वो वेरी करता है आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पर। आर्टबोर्ड पे जाएं फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे कि आर्टबोर्ड पूछ नहीं रहा। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड पूछता है कितने आर्टबोर्ड्स चाहिए, ये यहाँ पे एक मसला है फोटोशॉप में। आर्टबोर्ड में फायदा ये होता है, एक बनाया और दूसरा कॉपी करते जाएं, काम करते जाएं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार नया खोले और बंद करें। उसमें सेव करना ही बहुत आसान है। आर्टबोर्ड को यहाँ जाएं, एक्सपोर्ट एज में जाएं, कहाँ जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, ये कह रहा है एम्प्टी है, तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, जाहिर सी बात है एम्प्टी वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे शेप ऐड कर देता हूँ, अब मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट एज। यहाँ पे आपके वो सारे आ रहे होंगे कि कौन कौन से आपको चाहिए, कौन कौन से आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑल करेंगे तो सारे एक साथ ही हो जाएंगे। और क्वालिटी क्या चाहिए आपको, आप पहले गए जेपेक के अंदर, जेपेक के बाद यहाँ पे आपको क्वालिटी आ रही होगी, और यहाँ भी आपको क्वालिटी आ रही होगी। आपको क्वालिटी क्या चाहिए, 1x चाहिए, 2x चाहिए, 3x चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इन सबको होगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट दबा के थ्रेड कर दिया, सिंपल एक चाहिए तो वो एक होगा। और यहां से आपको किसी चीज को चढ़ना नहीं है। यहां पे एक्सपोर्ट ऑल दिखा रहा है, देखते हैं कि ये सबको करेगा या क्या सीन है। तीनों कर दिए, पर मसला ये है कि अगर मुझे तीन नहीं करने तो ये तो बड़ा ब्लंडर है। सिंपल यहाँ पे 6 होना चाहिए था यार, मतलब ये तो गलत है।
ये तो गलत है। इलस्ट्रेटर में देखो, इलस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं वही तो देख रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, आना चाहिए यार, ये तो बड़ा यूएक्स प्रॉब्लम है एडोब फोटोशॉप का। यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू में मैं गया, आर्टबोर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। देखिए कितने आर्टबोर्ड्स आपको चाहिए, 10 चाहिए, क्रिएट करें 10 आर्टबोर्ड आपके सामने, ये फ़ायदा है। और इनको सेव करना है तो फाइल में जाते हैं हम, सेव, एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, वहाँ पे ये नहीं आ रहा ना। हाँ देखें यहाँ पे यू कैन चेक कि किसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये फ़ायदा है, वहाँ पे आ ही नहीं रहा यार। जिनको आप एक्सपोर्ट करेंगे वही एक्सपोर्ट होगा, बट फोटोशॉप तो फिर इस लिहाज से तो बिल्कुल फारिग है। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है भाई। आप फिर ये करें कि कोई भी एक्स्ट्रा ऐड ना करें, फिर एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, बस जो काम के वो ऐड करें फिलहाल, या तो एक्सडी में काम करें, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। बट मॉकअप्स में ऐड करने हैं इनको, व्हाट द पॉइंट। इस वीक का असाइनमेंट आपके पास है वही बिलबोर्ड वाला है, और 5 स्टैंडीज बनानी है, और बिहार में इनको ऐड करना है, ठीक है। और पिछले जो आपका सारा उधार है बीएमजे पे वो चुकाना शुरू करें। जो असाइनमेंट्स हैं आपके अभी भी इस वीक बिल्कुल प्रेशर ना, मैंने पिछले वीक प्रेशर दिया है ना, इस वीक प्रेशर है, क्योंकि अगले वीक ज़्यादा प्रेशर आपको मिलने वाला है। तो पुराने जो काम हैं सारे वो प्लीज़ कंप्लीट कर दें, और इस वीक पहले वीक का सारा खाता क्लियर कर देंगे सर बालाज। तो कोई मुझे ये ना कहें सर मुझे 0 मार्क्स मिले हैं या मेरे मार्क्स कम हुए हैं, प्लीज़ पहले वीक का सारा काम आप कर दें। आप बताएं, मैं बताऊं या खुद बनाएं, खुद बनाएंगे देखिए फिर आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे, मैं फिर कुछ नया मैं बताऊं। मैं दूंगा कुछ लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ना हो, बट आई विल गिव, डोंट वरी अबाउट दैट।